हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो नाइन्थ क्लास चैप्टर 8 मोशन। एंड इन प्रीवियस वीडियो वी अंडरस्टैंड यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड एवरेज स्पीड। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टेक वन एग्जांपल ऑन एवरेज स्पीड एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड स्पीड विद डायरेक्शन, दैट मीन्स वेलोसिटी। So firstly we are going to take one example on average speed. So example 8.1, an object travels 16 meter in 4 second and then another 16 minute in 2 second. In first 4 second the object travels 16 meter and then another 16 meter in 2 seconds. हाफ टाइम में ही वो 16 मीटर जो है वो कवर कर लेगा। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हम लोगों को स्पीड, एवरेज स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की वो बतानी है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, काफ़ी आसान सा है सॉल्यूशन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट 16 मीटर इन फर्स्ट 4 सेकेंड एंड देन 16 मीटर इन 2 सेकेंड, दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 16 मीटर प्लस 16 मीटर इक्वल्स टू 32 मीटर। टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम उससे सबसे पहले वो 4 सेकेंड में 16 मीटर कवर करता है, उसके बाद 2 सेकेंड में 16 मीटर कवर करता है। इसका मतलब टोटल टाइम जो है वो 4 + 2 इक्वल्स टू 6 सेकेंड। सो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन इक्वल्स टू 32 मीटर अपॉन 6 सेकेंड, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.33 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, 5.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई भी एग्ज़ाम्पल हमें दिया हुआ हो जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस, तो इस तरीके की सिचुएशन हो तो हम टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के फॉर्मूले से एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ स्पीड विद डायरेक्शन, द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन, बोथ दीज एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड वेलोसिटी। वो क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड, क्योंकि देखो स्पीड में हम लोग मैग्नीट्यूड तो देखते ही थे लेकिन डायरेक्शन इंक्लूड नहीं करते थे। तो अगर स्पीड की मैग्नीट्यूड भी हम बताएं और अगर डायरेक्शन को भी इंक्लूड करें तो वो क्वांटिटी होगी वेलोसिटी। वेलोसिटी इज़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए डिफाइनाइट डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड को अगर हम कहें तो वो होगी वेलोसिटी, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही। ठीक है, तो हमें डायरेक्शन का भी टोटल निकालना होता है एक, फिर उसके बाद में जो फाइनल उसकी डायरेक्शन होगी वो भी यहाँ पर हमें बतानी होगी, मेज़र भी करनी, कैलकुलेट करनी होगी। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। तो वेलोसिटी जो है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिफॉर्म रहे या वेरिएबल ही रहे, कुछ भी हो सकता है। जैसे स्पीड यूनिफॉर्म और वेरिएबल दोनों हो सकती है, उसी तरीके से वेलोसिटी भी हो सकती है। बस इतना ही डिफरेंस है इनमें कि वेलोसिटी में डायरेक्शन को इंक्लूड करते हैं और स्पीड में नहीं करते हैं। इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स स्पीड, डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। तो देखो, अगर वेलोसिटी को हमें चेंज करना है अगर, तो उसके अंदर हमारे पास में दो ऑप्शन होंगे। आप मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकते हो, स्पीड को चेंज कर दो, या फिर डायरेक्शन चेंज कर दो। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन भी अगर चेंज कर दोगे तो भी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी में दोनों ही चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है। इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड, डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। When an object is moving along a straight line at a variable speed, we can express the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity. अगर कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल
स्पीड से अगर मोशन में है, अगर वेरिएबल स्पीड से है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर उसके लिए हमें तो डायरेक्शन तो हम लोग बता सकते हैं, उसके बाद अगर हमें उसकी वेलोसिटी पूछी जाती है तो डायरेक्शन के साथ साथ में हम लोग जब मैग्नीट्यूड बताएंगे तो जैसे एवरेज स्पीड हम लोगों ने कैलकुलेट की थी वैसे ही यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करके बताई जाएगी। इट इज़ कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड इन केस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाई अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू। कब? जब चेंजिंग जो है वो एक यूनिफॉर्म रेट पे, यानी कि चेंज होने का पैटर्न जो है वो कॉन्स्टेंट हो, यानी कि जैसे कि अगर फर्स्ट सेकेंड उसका वेलोसिटी जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड है, उसके नेक्स्ट सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड है, उसके बाद 0 मीटर पर सेकेंड है, तो हर बार 2 मीटर पर सेकेंड का ही चेंज आ रहा है, तो चेंज जो है वो अगर कॉन्स्टेंट हो तो इस तरीके से इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू, ठीक है, या फिर यू प्लस वी अपॉन टू, इस तरीके से एवरेज वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट की जा सकती है। वी एवरेज इज द एवरेज वेलोसिटी, यू इज इनिशियल वेलोसिटी एंड वी इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट्स, यूनिट सेम ही रहेगी स्पीड और वेलोसिटी की, देन यहाँ से आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, तो आसानी से आप 4-5 पॉइंट लिख सकते हो। स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है हमें इंफॉर्मेशन के लिए, वेलोसिटी में हमें स्पीड के साथ साथ में यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी इंक्लूड करनी होती है। उसके बाद दोनों डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग एक पॉइंट ऐसे बनाना चाहें सिमिलैरिटी, देन हम लोग बता सकते हैं कि एक्चुअल में दोनों है स्पीड ही, दोनों एक्चुअल में रेट ऑफ मोशन ही है, स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो, बता सकते हैं कि दोनों की यूनिट सेम होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पॉइंट्स लिख सकते हैं। दोनों का फॉर्मूला भी सेम है एवरेज का, टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, दोनों का यही एवरेज वेलोसिटी का, यही एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इनमें डिफ्रेंशिएट एंड सिमिलैरिटीज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 8.6, मेजर द टाइम इट टेक्स यू टू वॉक फ्रॉम योर हाउस टू योर बस स्टॉप और स्कूल। इफ़ यू कंसिडर दैट योर एवरेज वॉकिंग स्पीड इज़ 4 किलोमीटर पर आवर, एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द बस स्टॉप और स्कूल फ्रॉम योर हाउस। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, एक एक्टिविटी ये दे रखी है कि अगर आप क्या कर रहे हो कि आप मेज़रमेंट करो टाइम का, जब आप अपने घर से या तो बस स्टॉप जाते हो या फिर स्कूल जा रहे हो तब, तो उस टाइम पर अगर आपकी एवरेज स्पीड जो है 4 किलोमीटर पर आवर अगर आप रखते हो और टाइम जो है वो आप मेज़र कर सकते हो आसानी से वॉच के थ्रू कि कितना टाइम आपने कवर किया है, तो इसकी हेल्प से आप जो है डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हो आपके घर और बस स्टॉप या फिर स्कूल के बीच की, ठीक है, कैसे, क्योंकि स्पीड के फॉर्मूले से हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में स्पीड की वैल्यू हो जाएगी, टाइम की वैल्यू हो जाएगी, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड आपको रखनी है 4 किलोमीटर पर आवर, जो कि आप एक पर्ट जरूरी नहीं है आप कुछ भी रख सकते हो, और उसमें फिर कितना टाइम आपने वहाँ तक पहुँचने में लिया, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप डिस्टेंस यहाँ पर
मेज़र कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी हो गई, यानी कि इस फॉर्मूले से आपको अगर कोई भी दो वैल्यू दी हुई है तो थर्ड वैल्यू आप मेज़र कर सकते हो। उसके बाद फिर से एक एक्टिविटी दी हुई है, एट ए टाइम व्हेन इट इज़ क्लाउडी देयर मे बी फ्रीक्वेंट थंडर एंड लाइटनिंग, द साउंड ऑफ थंडर टेक्स सम टाइम टू रीच यू आफ्टर यू सी द लाइटनिंग। ठीक है, कि जब भी जब बारिश का मौसम होता है और जब बिजली चमक रही होती है, तो आप लोगों ने अगर कभी नोटिस किया हो तो बिजली हमें पहले दिखाई देती है, उसके थोड़ा टाइम के बाद हमें सुनाई देगी, पहले दिखाई दे जाती है। ठीक है, यानी कि दिखती हमें पहले है और उसके कुछ टाइम के बाद उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो ऐसा आप लोगों ने अगर कभी भी नोटिस किया है, अगर नहीं किया है तो आप लोग अभी करके देखना। वैसे भी मॉनसून सीज़न चल रहा है तो बारिश वगैरह होती रहती है, तो आप कभी भी नोटिस करके देखना, अगर बिजली चमकती है तो आपको दिखाई पहले देगी और उसके कुछ टाइम के बाद उसकी आवाज़ सुनाई देगी। कैन यू आंसर व्हाई दिस हैपन, ये क्यों होता है। मेज़र दिस टाइम इंटरवल यूजिंग ए डिजिटल रिस्ट वॉच और ए स्टॉप वॉच। तो आप ये टाइम मेज़र कर सकते हो रिस्ट वॉच या फिर स्टॉप वॉच, और भी बेटर रहेगा, या फिर डिजिटल वॉच जिसके अंदर देखो सेकेंड्स में टाइम जो है डिजिट्स के फॉर्म में रिटर्न में शो होता है, तो उस वॉच के थ्रू आप इनका टाइम इंटरवल जो है कितना इनके बीच में गैप रहा है ये मेज़र कर सकते हो। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ लाइटनिंग, और आप इसकी हेल्प से जो है यहाँ पर लाइटनिंग के नियरेस्ट पॉइंट को मेज़र कर सकते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इक्वल्स टू 346 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि साउंड की स्पीड आपको दी हुई है 346 मीटर पर सेकेंड, ये हम लोग जानते हैं इतनी ही स्पीड होती है। तो इसकी हेल्प से जब आपको दिखाई दी, ठीक है, यानी कि एक्चुअल में जब ये हुआ उसके बाद हमें सुनाई कब दी, तो उसके अंदर आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि कितनी डिस्टेंस है उस पॉइंट की जहाँ पर बिजली चमक रही है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग आंसर कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि पहले हमें दिखाई देती है उसके बाद उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो इसका रीज़न है कि लाइटनिंग हुई है आसमान में, तो यहाँ पर क्या होगा, लाइट जो है वो उस पॉइंट से हमारी आँखों तक आएगी, ठीक है, और साउंड जो उसकी वजह से क्रिएट हुआ है वो भी वहाँ से हमारे तक पहुँचेगा। लेकिन लाइट की स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो वो पहले पहुँच जाएगी। ऑब्वियसली उसकी स्पीड ज़्यादा है तो वो पहले पहुँच जाएगी, पहले पहुँचेगी तो हमें पहले दिखाई देगी ऑब्वियसली। और साउंड जो है, साउंड की स्पीड कम होती है 346 मीटर पर सेकेंड, तो वो टाइम उसको टाइम लगेगा पहुँचते पहुँचते, इसलिए पहले हमें दिखाई देता है उसके बाद हमें सुनाई देता है। ठीक है, तो ये था आज की ये एक्टिविटी थी, दो तो हम लोगों ने एक्टिविटी की है, ये दोनों ही आप कर सकते हो। और उसके अलावा हम लोगों ने वेलोसिटी को देखा है, एवरेज वेलोसिटी को देखा है। कल हम लोग इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस लेंगे, और इसके अलावा भी मैं कुछ न्यूमेरिकल्स अपनी तरफ से लेके आऊँगी, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स, तो कल के वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। आई होप कि आप लोगों को टॉपिक जो है वो समझ में आ रहे हैं। आप लोगों को अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए क्वेश्चंस को, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा है ये। 11th क्लास के अकॉर्डिंग भी अगर आप 11th में साइंस लेते हो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग भी मैथ में भी देखो ये डिस्टेंस वगैरह वेलोसिटी वगैरह तो काम में आता ही है, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो देखिए फिर नुकसान होगा, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आगे की क्लास की नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके फ़ोन पर आ जाए।